नमस्कार आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मैं हूं विवेक मिश्र एट पी एम न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर एक अगस्त को पीएम मोदी विश्व के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैकथॉन को करेंगे संबोधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की है संयुक्त पहल भारत ने बांग्लादेश को सौंपा दस ब्रॉडगेज डीजल इंजन बांग्लादेश को भारत सड़क रेल और बंदरगाह विकास की तमाम परियोजनाओं में कर रहा है मदद तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आगामी एक अगस्त को पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन सॉफ्टवेयर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 27 जुलाई 2020 को इसकी जानकारी दी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस हैकथॉन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ए द्वारा एक से तीन अगस्त तक स्मार्ट इंडिया हैकथॉन सॉफ्टवेयर 2020 के ग्रैंड फिनाले के रूप में किया जाएगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों के लिए नए डिजिटल तकनीकी नवाचारों की पहचान के लिए स्मार्ट इंडिया हैकथॉन एक खास पहल है एच मिनिस्टर ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 की अब तक की उपलब्धियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बताया कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने के लिए छात्रों के आइडियाज़ को लगातार ट्रैक करने और उन्हें आइडियाज़ के लेबल से प्रोटोटाइप लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है मंत्रालय ने कहा कि इन प्रोटोटाइप के आधार पर स्टार्टअप की शुरुआत के बीच की खाई को समाप्त करना होगा ताकि छात्रों के कौशल का विद्यालयी शिक्षा के दौरान ही अनुप्रयोग में लाया जा सके एचआरडी मंत्रालय के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन के दौरान दस हजार से अधिक छात्र सरकारी विभागों और उद्योगों की तमाम समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे इसमें हर समस्या के लिए एक लाख रुपए का पुरस्कार तय किया गया है जबकि विद्यार्थी नवाचार विषय वस्तु के लिए पहले दूसरे और तीसरे विजेताओं के लिए क्रमशः एक लाख पचहत्तर हजार और पचास हजार रुपए का पुरस्कार है केंद्रीय मंत्री पोखरियाल ने कहा कि चुने गए आइडियाज को अमल में लाने के लिए एम सचिव सच्यो, सभी सचिवों के साथ समन्वय कायम करेंगे गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है जिसमें देश के छात्रों को रोजमर्रा की समस्याओं को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है आपको बता दें कि इससे पहले स्मार्ट इस इंडिया हैकथॉन का आयोजन 2017, 2018 और 2019 में भी सम्पन्न हो चुका है साल 2020 में होने वाला यह हैकथॉन चौथा संस्करण है हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं जो बांग्लादेश को रेलवे शक्ति में वृद्धि के लिए कारगर साबित होगी भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश को सड़क रेल बंदरगाह विकास के लिए तमाम परियोजनाओं में मदद कर रहा है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दिखाई पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई और इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दरसना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया आपको बता दें कि ये रेल इंजन 3300 सौ हार्स पावर वाले डब्ल्यू डी लोको इंजनों की उम्र 28 साल से अधिक है और इन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है माइक्रोप्रोसेसर प्रणाली पर आधारित ये इंजन माल ढुलाई के साथ साथ यात्री गाड़ियों के लिए भी उपयुक्त हैं भारत की इस पहल के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमिन ने भारत का शुक्रिया अदा किया और इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी भारत ने बांग्लादेश को यह सहायता महज एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराई है इसे बांग्लादेश को बीस वर्षों में चुकाना होगा और में चलते चलते कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर जो आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआत साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तेजी से कम हो रही बाघों की संख्या को संरक्षण देना और इसके बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है भारत में बाघों की संख्या को लेकर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं भारत में हर चार वर्ष बाद बाघों की गणना की जाती है वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या उन्तीस थी जो साल 2014 में 2226 के मुकाबले तकरीबन 33 फीसदी अधिक है भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70 फीसदी से अधिक कम हो गया हालांकि यूएन के इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है यानी लॉकडाउन के समाप्ति के बाद सारी कंपनियों और कारखानों के शुरू होने के बाद वह अपने पहले स्तर पर पहुंच सकता है वहीं अगर अन्य देशों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गिरावट की बात करें तो चीन में 40 फीसदी बेल्जियम में 20 फीसदी और अमेरिका में 19 से 40 प्रतिशत गिरावट दर्ज किया गया आपको बताते चलें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा की गुणवत्ता को कम करता है जिससे कैंसर और सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है हाल ही में न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है यह फैसला चीन द्वारा हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद न्यूजीलैंड द्वारा लिया गया हांगकांग के साथ हाल में प्रत्यर्पण संधि निलंबित करने वाले देशों में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं चीन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वह हमेशा प्रत्यक्ष राजनीतिक टकराव से बचता रहा है चीन हर साल अरबों डॉलर का कृषि सामान जिसमें दूध पाउडर प्रमुख है न्यूजीलैंड से खरीदता रहता है आपको बताते चलें कि प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच की ऐसी संधि है जिसके अनुसार देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर छिपने वाले अपराधियों को उस देश को प्रत्यर्पित कर दिया जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया यह प्रतियोगिता देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है इस प्रतियोगिता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा इस प्रतियोगिता में पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप्स को दस लाख रुपये और व्यक्तिगत श्रेणी में पांच लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा दो बार की ऑस्कर पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का 26 जुलाई को फ्रांस की राजधानी में 104 साल की उम्र में निधन हो गया इनको फिल्म टू ईच हिज ओन के लिए साल 1946 में और फिल्म द हेयरीज के लिए 1949 में दो बार ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके अलावा हैवीलैंड ने कैप्टन ब्लड द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिनहुड गॉन विद द विंड जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था उन्होंने 1940 के दशक में हॉलीवुड की अनुबंध व्यवस्था को भी चुनौती दी थी वह स्टूडियो युग की आखिरी शीर्ष कलाकारों में से एक थी उनका जन्म 1916 में तोबियो में ब्रिटिश अटॉर्नी के यहाँ हुआ था क्रिकेट के दुनिया के अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर सर गारफ़ील्ड सोबर्स का चौरासीवां जन्मदिवस 28 जुलाई को मनाया गया सोबर्स को विस्डेन की शताब्दी के पांच शीर्ष क्रिकेटरों की सूची में स्थान मिला है सर गैरी सोबर्स के नाम से मशहूर सोबर्स उन्नीस से उन्नीस तक वेस्टइंडीज़ टीम के कप्तान भी रह चुके हैं सबसे कम उम्र में एक ही टेस्ट में तीन शतक बनाने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है यह रिकॉर्ड उन्होंने साल उन्नीस में मात्र 21 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में तीन रन बनाकर कायम किया था जिसमें उनकी टीम जीत गई थी फिलहाल 8 पी के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार